हेलो बच्चो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन सी इज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है लिस्ट वन में फर्स्ट गिवन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल ठीक है मायोफाइब्रिल की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है उसको हम सार्कोमेयर कहते हैं बेसिकली मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो है सार्कोमेयर की शॉर्टनिंग हो जाती है ठीक है एंड जब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है रिलैक्स हो रहा है तो वापस एक्सटेंड हो जाता है तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हो जाएगा ए थ्री का हो जाएगा ए एंड मोनोमर ऑफ एफ एक्टिन एफ एक्टिन का मोनोमर कौन सा होता है तो एफ एक्टिन का मोनोमर होता है ग्लोबुलर प्रोटीन या ग्लोबुलर तो एक्टिन ये बी चला जाएगा इसका फोर का चला जाएगा बी तो सी डी ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी डी ए बी फर्स्ट में गिवेन है फर्स्ट करेक्ट जा रहा है बीसीएडी बी में गिवेन है इनकरेट हो जाएगा ए बी सी डी इनकरेक्ट हो जाएगा डी सी ए बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन ए इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको इलेवंथ की न्यू में पेज नंबर टू हंड्रेड एंड नाइनटीन मिलेगी आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया